नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शंकरलाल सैनी। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता के पास या यह भी कहे कि हमारे पास में जानकारी के जो स्रोत है वो है वेद। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी का स्रोत क्या है? वेद है। और वेदों की संख्या कितनी मानी है? चार, जिसमें सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के बाद में दूसरा है जिसको नाम दिया है सामवेद, और सामवेद के बाद में तीसरा है जिसको नाम दिया है यजुर्वेद, और यजुर्वेद के बाद में चौथा वेद है जिसको नाम दिया है अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी मानी है? चार। इनमें सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद याद रखिएगा एक संहिता है, क्योंकि ऋग्वेद किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा है, इसमें बहुत सारी महिलाओं का भी योगदान रहा है, जैसे लोपा, मुद्रा, कोसा, घोषा, विश्वास, अपाला, ये क्या है? महिलाएं हैं, विदुषी महिलाएं, विद्वान महिलाएं, जिन्होंने ऋग्वेद में रचनाओं यानी ऋचाओं की रचना की है। उसी तरह से सामवेद, ये जो सामवेद है ये संगीत का पहला ग्रंथ माना जाता है, जबकि भारतीय भाषा का पहला ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। और यजुर्वेद, इसके अंतर्गत है यज्ञ विधि का उल्लेख किया गया है, यज्ञ से संबंधित कर्म कांडों के बारे में उल्लेख किया गया है, वो यजुर्वेद में किया है। अथर्ववेद, इसमें जादू टोने टोटके के बारे में उल्लेख है। तो बोल सकते हैं कि जो टोने टोटकों से संबंधित है, जिसमें जादू टोनों का उल्लेख किया गया है, वो है अथर्ववेद। दोस्तों, जो पहला जो वेद है ऋग्वेद, इस ऋग्वेद के अंतर्गत है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। और 1028 क्या है? सूक्त माने गए हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। इन 10 मंडल में से पहला व 10वां मंडल ये सबसे नवीन माना गया है, जबकि बात करें दूसरा व 7वां जो मंडल है, ये मंडल सबसे प्राचीन माना गया है। याद रखिए, ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या 10 है, इसमें पहला और 10वां ये सबसे नवीन मंडल है, जबकि दूसरा और 7वां सबसे प्राचीन मंडल माने गए हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंतर्गत है, वो किसका उल्लेख किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और ये गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखित है? तो याद रखिए, इसका रचयिता था विश्वामित्र। विश्व कल्याण या सनातन को बनाए रखने के लिए गायत्री मंत्र की स्थापना की गई। उसी तरह दोस्तों, ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, इस 7वें मंडल में एक युद्ध का उल्लेख है जिसको नाम दिया है दशरथ युद्ध। और ये जो दशरथ युद्ध, ये रावी नदी के किनारे लड़ा गया, लेकिन उस समय रावी नदी का नाम क्या था? तो याद रखिए, परुषणी। ये जो रावी नदी के किनारे जो दशरथ युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध में जो आर्यों की जो भरत शाखा थी, आर्यों की भरत शाखा, और भरत शाखा का जो राजा था सुदास, इस राजा सुदास द्वारा ये युद्ध जीता जाता है, और इसमें इसने 10 राजाओं को हराया था। युद्ध का कारण ये था कि इसने विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को अपना क्या बना लिया था? पुरोहित। इस बात से खपा था, और युद्ध कौन जीता? सुदास। तो ऋग्वेद के अंतर्गत 10,552 मंत्र या ऋचाएं हैं, 10 मंडल हैं, जिनमें पहला और 10वां नवीन है, दूसरा और 7वां सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसका रचयिता विश्वामित्र था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशरथ युद्ध का उल्लेख है, जो रावी नदी किनारे लड़ा गया, जिसका नाम परुषणी नदी था। और इस युद्ध को कौन जीता? तो ये राजा सुदास जीतता है। और वेद कितने हैं? 4 हैं, जिनमें सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। अब दोस्तों, हम लोग इस सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे, और हमारे पास में जानकारी का जो प्रथम स्रोत बनता है वो क्या है। तो देखिए, वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक नाम देते हैं पूर्व वैदिक काल, और दूसरा जो इसका पार्ट चलेगा इसको नाम देंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, इसका समय 1500 BC से और 1000 BC के आसपास का माना गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल का समय जो होगा वो 1000 BC से और ये 600 BC के आसपास का माना गया है। तो दोस्तों,
वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल से अलग करने के लिए जो विशेष धातु जानी जाएगी वो होगा लोहा। याद रखिए उत्तर वैदिक काल की सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, जबकि पूर्व वैदिक काल वाले लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी इनके अंतर्गत है कुछ जैसे कर्म कांड वगैरह के अंतर्गत है, जानकारी के स्रोत के वगैरह है, इनके बारे में अलग अलग जो जानकारी मिलती है। पूर्व वैदिक काल के लिए जानकारी का स्रोत केवल एक वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। अर्थात पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद से मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जानकारी का स्रोत है वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा उपनिषद, जिनकी संख्या कितनी मानी गई है 108, तो बोल सकते हैं आरण्यक ग्रंथ है इसी के अंतर्गत, ब्राह्मण ग्रंथ इसी के अंतर्गत आएंगे। तो ये सब जानकारी का स्रोत क्या होगा उत्तर वैदिक काल का। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल की, और पूर्व वैदिक काल जिसको नाम देंगे ऋग्वैदिक काल। तो सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों इस सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे, तो वैदिक सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे, तो याद रखिए आर्य थे। और आर्य अगर शब्द का हम अर्थ लेते हैं तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, जो अच्छी कुल में जन्मा हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उसे क्या कहा गया आर्य। और आर्यों ने कौन सी सभ्यता विकसित की, तो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता में जो समाज था ये समाज कैसा था, तो ये पितृसत्तात्मक समाज था। पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत है ये ग्रामीण थे, समाज पितृसत्तात्मक था। और बात करें परिवार, तो परिवार का स्वरूप यहाँ पर संयुक्त था। तो याद रखिए पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार था, जबकि उत्तर वैदिक काल में ये परिवार कैसा हो गया था एकल। उसी तरह पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत है आर्य अस्थायी रूप से रहते थे, अस्थायी रूप से रहते थे, स्थायी रूप से नहीं रहते थे। और इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन। जबकि उत्तर वैदिक काल में इसकी जगह कृषि हो जाएगा और अस्थायी की जगह पर स्थायी शब्द आ जाता है। फिर बात करें आखिर आर्य आए कहां से, तो याद रखिए आर्यों के बारे में अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि आर्य भारत से नहीं बल्कि बाहर से आए थे, जबकि वास्तविकता देखी जाए तो आर्य भारत के ही निवासी माने गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आर्यों को कहा जाता है कि आर्य जहां आकर सबसे पहले बसे थे उस जगह का नाम दिया गया सप्त सैंधव प्रदेश। आर्य सबसे पहले जिस प्रदेश में आकर बसे थे वो था सप्त सैंधव प्रदेश। इसके अंतर्गत है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और लुप्तो की सरस्वती नदियां, इन सात नदियों का एरिया था। तो इसका संबंध वर्तमान की बात करें तो पंजाब और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब के आसपास सप्त सिंधु प्रदेश में ही आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। अब जो वेदों का पंडित है, वेदों का पंडित कहलाता है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर इसे वेदों का पंडित कहा है, और मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान बताया है मध्य एशिया, यानी यूरोप और एशिया के बीच का भाग कहलाता है मध्य एशिया, और आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को बताया है, जो कि वेदों का पंडित कहलाता है, जिस विद्वान का नाम है मैक्स मुलर। उसी तरह याद रखिए दयानंद सरस्वती, तो दयानंद जो सरस्वती है, दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान तिब्बत को बताया है। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान क्या बताया है, तिब्बत। उसी तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनके द्वारा रचना द आर्कटिक वेदास ऑफ होम, तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। तिलक ने आर्यों का मूल स्थान क्या बताया है, उत्तरी ध्रुव। और इन्होंने एक शब्द के आधार पर बताया है, शब्द है दीर्घ उषा। दीर्घ उषा का मतलब होता है लंबा दिन, और छह माह के दिन और छह माह की रात या तो उत्तरी ध्रुव में होते हैं या दक्षिण ध्रुव में होते हैं, जबकि दक्षिण ध्रुव में जल क्षेत्र है इसलिए संभव नहीं है। इसलिए माना जाता है कि आर्य कहां से आए, उत्तरी ध्रुव से आए और सबसे पहले इस क्षेत्र में बस गए। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में सदा नीरा नदी तक फैल गए थे, जिसका संबंध गंडक नदी से लगाया जाता है। तो आर्य यम ये कहें कि हिमालय से लेकर और दक्षिण प्रायद्वीप में है विंध्याचल पर्वतमाला के बीच तक फैल गए थे उत्तर वैदिक काल में, और इधर गंडक या सदा नीरा नदी तक फैल गए थे आर्य। अब दोस्तों ये कहें कि यहाँ समाज था, पितृसत्तात्मक था,
पूर्व वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, परिवार संयुक्त था, अस्थायी रूप से रहते थे, पशुपालन किया करते थे। सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे। इस सभ्यता के लोग आर्य थे। आर्य का शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन होता है। मैक्समुदर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दीर्घ ऊषा शब्द के आधार पर बताया उत्तरी ध्रुव। और आर्य सबसे पहले अफगानिस्तान में पंजाब के आसपास वाले क्षेत्र में आकर के बसे थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस सभ्यता की अन्य, तो इस सभ्यता में जो राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई वो था परिवार। परिवार मिलकर कुल का निर्माण करते थे। परिवार का मुखिया पिता, परिवार का मुखिया पिता और कुल का मुखिया होता था उसको कुलपति कहा गया है। फिर कुल मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे और ग्राम का मुखिया था इसको ग्रामीण कहा गया। फिर बात करें कि ग्राम मिलकर के और विष बनाते थे और विष का जो मुखिया था ये विषपति कहलाता था। और फिर कई मिस मिलकर के और जन का निर्माण करते और जन का जो मुखिया था ये राजन या राजा कहलाता। दोस्तों पूर्व वैदिक काल में राजा को भूमि का स्वामी नहीं माना है। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था अपितु राजा को युद्ध का स्वामी कहा है। युद्ध का स्वामी माना जाता है राजा को। पूर्व वैदिक काल में राजा के पास में स्थायी सेना भी नहीं होती थी। और बात करें उत्तर वैदिक काल में ये स्वरूप बदला और सेना होना स्टार्ट हो गई। उसी तरह राजा जो युद्ध करता था ये युद्ध गायों के लिए किया जाता था और याद रखिए युद्ध गायों के लिए होता था, इसीलिए युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का उपयोग किया है। और गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। तो मुद्रा का जो साधन था वो गाय था या वस्तु विनियम था और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द यूज लिया है। और गाय को अगन्या कहा है अगन्या जिसकी हत्या नहीं की जाए। सामान्यतः गाय को मारने वाले को अगर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण से नहीं है तो फांसी की सजा का प्रावधान था। गाय मुद्रा का साधन था। गाय व घोड़ा इन आर्यों का प्रिय पशु माने गए हैं। आर्यों के प्रिय पशु गाय व घोड़ा, क्योंकि आर्य उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित हुए और लोहे को इन्होंने श्याम अयस्क कहा जबकि तांबे को इन्होंने लोहित अयस्क कहा। तो सबसे छोटी इकाई परिवार जिसका मुखिया पिता, परिवार मिलकर कुल बना, कुल से कुलपति बना यानी कुल का मुखिया कुलपति कहलाया। उसी तरह कई कुल मिले तो ग्राम बना और ग्राम का ग्रामीणी बना। उसी तरह विष का विषपति बना, विष मिलकर जन बना। ऋग्वेद में जो जन था उत्तर वैदिक काल में ये फिर जनपद बना और फिर आगे चल करके फिर ये महाजनपद बन जाएगा। आर्य का प्रिय पशु घोड़ा और एक क्या माना गया है गाय को। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आर्यों की जो राजनीतिक जो संस्था थी, आर्यों की जो सबसे प्राचीन जो राजनीतिक संस्था थी वो थी विदत। और विदत का काम था कि युद्ध में लूटे गए माल का बंटवारा करना, युद्ध में लूटे गए सामान का क्या करना, बंटवारा करना। ये आर्यों की सबसे पुरानी संस्था थी विदत। उत्तर वैदिक काल में ये संस्था लुप्त हो जाएगी। फिर बात करें इसके अलावा एक थी सभा और एक थी समिति। सभा और समिति याद रखिए, सभा इसमें संभ्रांत लोग हुआ करते थे। संभ्रांत लोग मतलब ये कह सकते हैं कि जो विशेष या संपन्न लोग थे वो इसके अंतर्गत होते थे सभा में। और इसका जो मुखिया था ये सभ्य कहलाता था। उसी तरह ईशान अगर समिति की बात करें तो इसमें आम जन या सामान्य लोग भाग लिया करते थे और जो समिति थी इसका अध्यक्ष था वो ईशान कहलाता था। दोस्तों सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। इनको सभा और समिति को उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति इनकी शक्तियों में परिवर्तन होगा, इनकी शक्तियां कम होंगी और विदत लुप्त हो जाएगी। पहले उत्तर में पूर्व वैदिक काल में इनमें महिलाएं भी भाग ले रही हैं जबकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की शक्तियां हैं वो कम हो जाएगी क्योंकि पूर्व वैदिक काल में बाल विवाह पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां नहीं है। नियोग या नाता प्रथा का भी प्रावधान पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत है। बाल विवाह पर्दा प्रथा जैसी बीमारियां नहीं है, न ही सती प्रथा जैसी कोई बात है। दोस्तों राजा को सहायता देने के लिए 12 रत्नियों का भी उल्लेख मिलता है। इनमें सूतकार और जो उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण भूमिका में होगा पुरोहित, सूतकार, पुरोहित और सेनानी
ये प्रमुख मानी गई है। ये पुरोहित सूतकार और सेनानी राजा को गुप्त सूचनाएं देने के लिए इस पद की व्यवस्था की गई थी। राजा को गुप्त सूचनाएं देने का काम करता था जो अधिकारी, उसको इस पद का नाम दिया गया। राजा सहित जो कुल जो सदस्य हुआ करते थे जिनकी संख्या 12 थी, इन्हें 12 रत्नी का नाम दिया गया। दोस्तों चार आश्रम माने गए हैं। तो जो पहला आश्रम जो कि उत्तर वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ऋग्वेद के दसवें मंडल में जिसका नाम है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का दसवां मंडल जो पुरुष सूक्त कहलाता है, इस पुरुष सूक्त में ये कहें कि वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख है, अर्थात ऋग्वेद के दसवें मंडल में लिखा है कि उस परम पुरुष के मुख से ब्राह्मणों ने या ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। फिर बात करें उसके भुजाओं से क्षत्रिय और बात करें जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र बने। तो ये चार वर्णों का उल्लेख है वो ऋग्वेद के दसवें मंडल में है, जिसको बोलते हैं पुरुष सूक्त। दोस्तों पूर्व वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म प्रधान थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था जन्म प्रधान बन जाएगी। हम उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे अगले क्लास में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।